हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। कल हम देख रहे थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, आज पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प कर दिया जाए। आंदोलन के अनुसार इसका कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोहों में उपस्थित न होना। भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार करना। ये निषेधात्मक कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त कुछ सकारात्मक पक्ष भी रखे गए, जैसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार, हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार और अस्पृश्यता का अंत। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी ने अपने केसरे हिंद के पदक को वापस देकर किया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनरेरी मजिस्ट्री छोड़ दी। स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इन विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ तथा काशी विद्यापीठ काशी की स्थापना की गई। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया। अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली के अपूर्व दृश्य देखे गए। शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। स्वदेशी को लोकप्रियता प्राप्त हुई और हथकरघा तथा हाथ बुनाई को प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस महासमिति ने अपनी मार्च 1921 की वैजवाड़ा बैठक में 1 करोड़ रुपया एकत्र करना निश्चित किया और इस कोष में तेजी से राशि एकत्र होने लगी। कांग्रेस महासमिति ने 30 लाख स्वयंसेवकों की सूची और 20 लाख चरखे तैयार किए। आंदोलन की विशेष बात हिंदू मुस्लिम एकता थी। एक प्रमुख घटना है शासन द्वारा दमन और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। प्रारंभ में आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने अमन सभाएं स्थापित करने की चेष्टा की, परंतु शासन की यह चेष्टा नितांत असफल सिद्ध हुई। सरकार की समझ में नहीं आता था कि इस अद्भुत स्थिति का कैसे सामना किया जाए। आंदोलन को आशा से अधिक बढ़ता देखकर सरकार ने क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया तथा आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। देशबंधु चितरंजन दास को मेमनसिंह में एक सभा में भाषण देने से रोक दिया गया। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना मजरूल हक को आगरा जाने, याकूब हुसैन को कलकत्ता जाने और लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया गया। कुछ स्थानों पर तो बिना आवश्यकता के ही अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की घटनाओं में ननकाना कांड सबसे प्रमुख है। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्र हुए। यह बिल्कुल शांतिमय समुदाय था, लेकिन यकायक उन पर हमला बोल दिया गया और गोलियां चलाई गईं, जिसमें सरकार के कथनानुसार 70 मौतें हुईं। जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा था और इस बढ़ते हुए उत्साह के कारण
जुलाई 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। शासन ने भी अपने वचनों को भुलाकर सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन की संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया। शासन द्वारा पूरी शक्ति के साथ दमन चक्र जारी रखा गया और अब तो मारपीट, लाठी वर्षा और गोली रोजमर्रा की घटनाएं हो गईं। सितंबर 1921 तक चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद और गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या लगभग 60,000 थी, लेकिन जनता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे तो कांग्रेस के निश्चय के अनुसार बम्बई में उनका हड़ताल से स्वागत किया गया। कलकत्ता और अन्य स्थानों का भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से ही किया गया। रजनी पामदत्त के शब्दों में, जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए आंदोलन के अंतर्गत कोई नवीन कदम उठाना जरूरी हो गया था। अतः 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें कर नादों का कार्यक्रम भी शामिल होगा। चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत। लेकिन 7 दिन का समय समाप्त होने के पूर्व ही एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। उन्होंने चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर 9 वर्ष की सजा दे दी गई। आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया जाना स्वाभाविक था। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़ो हाथों लिया। सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और जनता के एक भाग द्वारा आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय अपमान समझा गया। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। ये था आंदोलन के बारे में, कार्रवाई के बारे में और आंदोलन के स्थगन के बारे में। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे आंदोलन का मूल्यांकन। धन्यवाद।